में और गोकुल महावन में, यहाँ राम आए, यहाँ महाप्रभु आए, यहाँ बड़े बड़े मंदिर में भगवान खुद स्थापित हुए, पद्मनाभ के मंदिर, दक्षिण भारत में जाओ रंगेश्वर मंदिर, और पहाड़ों पे जाओ तो देवभूमि कही गई है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और कितनी देवियों के यहाँ मंदिर हैं। सब जगह भक्ति ही भक्ति प्रवाहित है, फिर यहाँ पे मुसलमान कैसे टिक गया, कैसे? तो भैया इसका मतलब है इसमें भगवान की कोई इच्छा है। क्या इच्छा है? कि ये कलयुग है, हमें अपने को यहाँ से निकालने के लिए राजी रखना है। मायापुर में महाप्रभु जी स्वयं भगवान कृष्ण श्रीवास आंगन में रात को कीर्तन करते थे, पड़ोसियों ने ऑब्जेक्शन उठाई। आज आप अपने घर के या मंदिर में रात को कीर्तन करके देखो तो जरा। दिल्ली में हमारा मंदिर है जनकपुरी में, हमारे पड़ोसी ने कम से कम 20 बार पुलिस कंप्लेंट की है, रात के कीर्तन के लिए नहीं, सुबह मंगल आरती के कीर्तन के लिए। ये 4:30 बजे हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। मैंने जब मंदिर बनाया तो मैंने इसकी मोहल्ले की तरफ से दीवार हटवा दी, मैंने कहा सारे मोहल्ले को कीर्तन सुनाई दे, बड़े ही उदार हृदय से ये किया, लेकिन सबसे पहले मुझे वहाँ दीवार खड़ी करनी पड़ी ताकि मंदिर के कीर्तन की आवाज उधर ना जाए। और फिर मैंने शिखर के ऊपर, गुंबद के ऊपर चारों ओर हॉर्न लगाए थे, लाउड स्पीकर कीर्तन के लिए, फिर वो लाउड स्पीकर उतार दिया और फिर सारे लाउड स्पीकर ऐसे लगाए कि मंदिर के अंदर आवाज आए। और फिर जब पुलिस वाले आए इंक्वायरी करने आए, हमने कहा जी यहाँ देख लो सारी आवाज अंदर ही खुद जाती है, अगर कोई रात को सो रहा है और बंद करके दरवाजे सो रहा है, सर्दियों में सर्दी के कारण बंद करता है आदमी और गर्मियों में एसी के कारण बंद करता है आदमी, किसके घर में आवाज जाती है? फिर वो चुप हुए। लेकिन अगर रात को कीर्तन करो तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि हम लोग अब कीर्तन करने वाली दुनिया से दूर होते चले जा रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने क्या किया, अपने सारे भक्तों को कहा कि मेरे साथ चलो शाम के समय काजी के घर में, यही काजी का घर था, यहाँ समाधि है ना, यही घर था। 100 की संख्या में नहीं, 1000 की संख्या में नहीं, 2 लाख की संख्या में, ऐसा लगता है देवलोक से सारे देवता भी उतर के नीचे आ गए थे, हाथ में मशाल लेकर और चल पड़े चांद काजी के घर में। अगर एक एक आदमी के घर में 1 लाख आदमी हाथ में मशाल लेकर चलता हुआ आए, उस आदमी का क्या होगा? उसकी तो है, उस आदमी का क्या होगा, उसकी तो जान हाथों पे आ गई, जान हथेली पे आ गई, हम जिएंगे तो जिएंगे कैसे, ये तो खत्म हो जाएंगे। महाप्रभु जी ने कहा कि मशाल को इस्तेमाल नहीं करना है, सब मशाल को लाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे, कहीं आग लगाने का काम नहीं करना। वो तो सारे दरवाजे का बंद करके अंदर घुस गया। तब महाप्रभु जी ने मैसेज भेजा कि मैं मिलना चाहता हूँ। चांद काजी मिला महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी को कहता है देखो तुम्हारे पिताजी के घर से ही मैं बिलोंग करता हूँ, तुम्हारी माता के घर से मैं बिलोंग करता हूँ, इस हिसाब से मैं तुम्हारा मामा लगा। महाप्रभु कहते सही बात है, मामा ही ऐसे होते हैं। एक कृष्ण का भी मामा था, कौन सा मालूम है? कंस मामा था ना कृष्ण, ऐसे ही दुर्योधन का भी मामा था, कौन? शकुनी मामा। मामा ऐसे ही होते हैं, तो हमारे यहाँ गाली में बोलते हैं साला, और उसके बाद नंबर 2 वाली गाली क्या होती है, अगर पुलिस वाले खड़े हैं तो क्या कहते हैं वहाँ पे? तो महाप्रभु जी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ तू मेरा मामा लगता है। फिर बोलते हैं एक बात बताऊं, काजी बोलता है एक बात बताऊं, हाँ मेरे को ना कल रात को एक आदमी मेरे घर के अंदर कमरे में प्रकट हो गया,
बड़ा अजीब था, हाथ थे, पैर थे, पेट था, मनुष्य था, लेकिन मुंह उसका शेर जैसा था। और धड़ाम करके मेरे पेट पे चढ़ गया और नाखून मेरी छाती पे रखा, तूने जैसे मर्जन फोड़ा तेरी छाती फोड़ दू। मैं तो कान पकड़ लिया, मेरी तोबा, मेरी बाप की तोबा, बाप के बाप की तोबा, मेरे खानदान की तोबा, अगर आगे से मैंने कहीं भी मर्जन तोड़ा तो मेरे को कुछ कहना। मैं कसम खाता हूँ अपनी नहीं अपने खानदान की भी कि वो कभी भी मृदंग को नहीं तोड़ेंगे। बोलते हैं, अच्छा तो ये बता तू गाय का मांस क्यों खाता है? कहाँ लिखा तेरी कुरान में कि खाना चाहिए? हैं, ये कोई अच्छी चीज है? बोलते हैं, मैं कसम खाता हूँ मांस नहीं खाऊंगा और ना ही अपने खानदान में किसी को खाने दूंगा। ऐसी ऐसी कसम खाकर चांद काजी नरसिंह भगवान के खौफ से फिर अब महाप्रभु जी की शरण में आया। तो हम लोग भी ये देखने के लिए कि किस तरह से वो व्यक्ति जिसको कि हम आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसे मुसलमान कहते हैं, महाप्रभु जी ने किस तरह से बड़े प्यार से उसे समझा के और नरसिंह के रूप में उसका खौफ दिखाकर उसको क्या बना दिया? भक्त बना दिया। तो भाई, हम किसी मुसलमान काजी की समाधि पे नहीं आए हैं, महाप्रभु जी के लिए समर्पित उनके भक्त की समाधि पे आए हैं, इसे चांद काजी की समाधि। तो महाप्रभु जी ने भी जब वो मरा उसकी समाधि बनाई तो यहाँ एक पेड़ काट दिया, कैसे भी निकाला, ये फूल का पेड़ है, ये बकुल पेड़ नहीं है, ये फूल का पेड़ है। इसका काम पता क्या है? समाधि के ऊपर फूल अपने आप डालना। यहाँ पे एक कंसेशन है, बाहर से फूल लाने नहीं पड़ेंगे आपको समाधि पे डालने के लिए, यहाँ पे फूल अपने आप डल जाते हैं। पर मैं देख रहा हूँ ये पेड़ अब काफी सूख गया है, पर हरा भी है। इस समय पतझड़ का समय है, तो इसलिए हम चांद काजी से ये प्रार्थना करेंगे कि आप महाप्रभु के भक्त बन गए, हमारे अंदर भी ऐसे ही यवन बैठा हुआ है जो भगवान से हमें दूर करके रखा हुआ है। भगवान की सेवा नहीं करना यही हमारी धृष्टता है, यही हमारी गंदगी है हमारे अंदर। इसको मैं गंदी भाषा में बोल दूं तो बोलो ये हमारा कमीनापन है कि हम सारी दुनिया की तो सेवा करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, पड़ोसियों की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, लेकिन जिसकी सेवा करनी है उसकी सेवा नहीं करेंगे। वो किसकी? भगवान की सेवा नहीं करेंगे। हम भगवान की सेवा के लिए अपनी जिंदगी लगाएं, अपना जीवन लगाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ऐसी प्रार्थना करके मैं अपना स्टेटमेंट बंद करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। हरि बोल हरे। देखो राम जी क्या कह रहे हैं, रामचंद्र प्रभु जी कह रहे हैं, अभी कथा सुनी ध्यान से, सुनी कि नहीं सुनी? हाथ ऊपर करो कौन कौन सुनी। कह रहे हैं जो अपने ही लोग वो हमारा विरोध करते हैं, यही बात है ना? हिंदू ने हिंदू का विरोध किया, उन्होंने उदाहरण भी दिए। यहाँ तो फिर ये कह रहे हैं कि अपने धर्म के लोग हमारा विरोध करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ अपनी इंद्रिया अपना मन ही हमारा विरोध करती है। और बताओ, ये और खतरनाक है, जो हमारे अंदर है वही। इसलिए प्रार्थना करते हैं, संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोध आदि नक्र मक्र कवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम, ये संसार में हम पड़े, हमारी ही इंद्रियां हाँ, और विद मन इंक्लूडिंग मन, यही हमारा विरोधी है और मन शत्रु है। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। बाहर का विरोध तो है ही है, लेकिन जब कोई कृष्ण भक्ति आरंभ करता है तो इंद्रियां और मन वो ही साथ नहीं देती। तो ऐसी भयंकर स्थिति में कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमारे आश्रय स्वरूप है? वो थे एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु। दुर्वासनस्य निगिडतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल ही एकमात्र हमारे आश्रय हैं।
कि जो व्यक्ति जिस स्थिति में भी क्यों ना हो, मां प्रभु जी ने कभी पक्षपात नहीं किया। मां प्रभु ने सभी को ही अधिकार प्रदान किया। यहाँ चांद काजी जी की समाधि पर हम लोग आए, इनका कैसा व्यवहार और महाप्रभु की कृपा से कैसा हो गया। इसलिए हम जैसे लोगों के लिए ही भागवत जी महाप्रभु जी की महिमा का गान करते कहते हैं, त्वक्त्वा सुदुस्तज्य सुरिप्ष राज लक्ष्मी धर्मश आर्य वचस यद गाद अरण्यम माया मृगम दैत्य इप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अनेक लोग जो भागवत कहते हैं वो कहते हैं ये श्लोक राम जी पर लागू होता है, क्योंकि श्लोक में बताया जिन्होंने अपनी राज लक्ष्मी को त्याग किया, अपनी शक्ति को त्याग किया और एक मृग के पीछे दौड़े, और मृग के पीछे दौड़े, तो सीधा सीधा ये श्लोक किसको लागू होता है, जिन्होंने सीता जी को छोड़कर एक स्वर्ण मृग की और जो दौड़े। वंदे महापुरुष थे, उन महापुरुष उन भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी हमारे आचार्य कहते नहीं ये श्लोक राम जी को नहीं लगता, क्योंकि ये नव युगेंद्र संवाद में ये श्लोक जहाँ पर कबीर हबीर अंतरिक्ष जो शायद हवि या अंतरिक्ष जो योगेंद्र है वो वर्णन कर रहे हैं कलयुग के अवतारों का। राम जी तो कलयुग में आए नहीं है, राम जी तो त्रेता युग में आए, और वो भी कौन सी त्रेता के में, इस त्रेता में राम जी नहीं आए, ब्रह्मा जी की 24वीं चतुर्युगी की त्रेता में राम जी आए। ये श्लोक कलयुग के अवतारों का वर्णन आ रहा, इसमें वर्णन हो रहा है, और कलयुग में तो राम जी का नहीं हुआ। कलयुग में तो पीत वसन कलि पावन गौरा श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आसन वर्णो श्रेयस्य ग्नेन्द्र अनुयुगम तनुम शुक्ल रक्ता तथा पीतम इदानिम कृष्णतम गता। कलयुग में यही आपका बालक पीत वर्ण धारण करके आएगा, ये महाप्रभु जी के लिए श्लोक है। तो जिन्होंने त्वक्त्वा सुदुस्तज्य सुरिप्ष राज लक्ष्मी, जिन्होंने अपनी परम सुंदरी अपनी ही शक्ति अपनी पत्नी श्री विष्णु प्रिया देवी को भी छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण किया, किस लिए, माया मृगम दैत्य इप्सित अन्वधावत, हम जैसे जीव जो अपनी इंद्रियों की ओर अपने मन, और मन भी कैसा, जिसके संबंध में कहा मनोरथे नास्ति धावति वही यस्यस्ति भगवत भक्त अकिंचना सर्वगुणेस्ते समस्त सुरा। जो व्यक्ति अकिंचना भक्ति शुद्ध भक्ति इस नाम भक्ति को अमला भक्ति को निर्मला भक्ति को जो याजन करते हैं उनके अंदर भगवान के परिकरों के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। परंतु हर अभक्तस्य कुतो महद्गुणा, जो अपने मन के रथ पर आरूढ़ होकर जो चलता है उसके अंदर सद्गुण कहाँ से आएंगे, मनोरथे नास्ति धावत वही, नहीं हो सकता। और हम लोग अपनी इंद्र के द्वारा चालन होने से अपने मन, वो मन कैसा जो सुख की ओर धावित होता है, जैसे वो मृग, जैसे मृग रेगिस्तान में उस जल को ना पाकर अपने प्राण को वहां पर त्याग देता है, ऐसे उस सुख की खोज में हम चारों ओर जाते, सुख 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 मिले, इंद्रियों को सुख मिले, मन को सुख मिले। हमारे जैसे लोग जो उस मृग की भांति माया की ओर दौड़ रहे हैं, हमारे पीछे वो सचिनंदन गौर हरि दौड़े और हमारे लिए एक औषधि लेकर आए। कौन सी औषधि, हरी एनेची औषधि माया नाशी वाला लागी हरि नाम महामंत्र लोहो तुम्ही मागी। शिवाज पंडित जी को संशय हो गया जब चांद काजी ने कहा, सबने कहा कि यदि संकीर्तन होगा तो दंड दिया जाएगा, राजा को नालिश हो जाएगी, शिकायत हो जाएगी। शिवाज पंडित जी भयभीत हो गए और दरवाजा बंद कर दिया। जब महाप्रभु जी को इसकी सूचना मिली, महाप्रभु जी दौड़े दौड़े आए और शिवाज पंडित के कपाट को दरवाजे को एक लात मार के, शिवाज किससे भय करते हो, तुम मेरे स्वरूप को नहीं जान पाए। और वहीं पर शिवा संगम में महाप्रभु जी ने अपना नरसिंह रूप दिखलाया, नरसिंह रूप दिखलाया, तुम्हें किस बात का भय है। और फिर प्रभु जी ने बता ही दिया कि चांद काजी को भी स्वप्न में आकर वो नरसिंह भगवान जैसे उनके नखों से उनके वक्ष थल को विदीर्ण कर देंगे, उनको तोड़ फाड़ देंगे। चांद काजी ये देखकर घबरा गया
महाप्रभु जी ने एक बात और बात कही, जब चांद काजी को उपदेश दे रहे हैं, महाप्रभु जी कह रहे हैं देखो काजी, गैया तो दुग्ध देती है और गैया तो माता के समान है, तो कोई अपनी माता को तो मारता नहीं है, कोई अपनी माता को तो खाता नहीं है, तुम लोग क्यों खाते हो? इस प्रकार महाप्रभु जी ने वहां पर प्रवचन दिया, किसको देंगे? अपने भक्त को दिया। इसलिए महाप्रभु जी की उन वाणी को सुनकर चांद काजी जी का प्रवर्तन हुआ और यहाँ पर ही उनको समाधिस्थ किया गया। हरि नाम की महिमा को महाप्रभु जी जिस प्रकार अपने समस्त भक्तों को साथ लेकर कि उदिलो अरुणा पूर्व भागे द्विज मनी गौरा अमानी जागे भक्त समूहा लयो साथे गेला नगरव राजे मुकुंद माधव यादव हरि। महाप्रभु जी मुकुंद माधव यादव हरि नाम उच्चारण करते करते जाते और यहाँ तक कि लिप्तन प्रभु को हरिदास ठाकुर जी को भी उपदेश दिया कि सुनो सुनो लिप्तनंद, सुनो हरिदास, अमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रचार, प्रति गृह गृह करो ये भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, नित्यम प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को ही क्यों भेजा? इसमें भी रहस्य है। श्री हरिदास ठाकुर जी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन? जिन्होंने सृष्टि की, जो सृष्टि करेगा वही सृष्टि को भरण पोषण भी करेगा। और नित्यम प्रभु कौन है? ये सृष्टि के आदि कारण है, जिनसे कारण दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, शिरो दक्षाय विष्णु और शेष प्रकट होते हैं। तो मूल रूप से सृष्टि भी नित्यम प्रभु की। इसलिए जैसे बलराम जी, वही श्री नित्यम प्रभु अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, सृष्टि लीला करी धरि चारकाय। तो जो सृष्टि करेगा उसको पालन पोषण करने का भी कर्तव्य है। इसलिए महाप्रभु ने नित्यम प्रभु हरिदास ठाकुर जी को यहाँ पर भेजा सर्वत्र नाम की महिमा का प्रचार करने, और जो उसके नाम संकीर्तन में जो विघ्न डालेगा, महाप्रभु जी ने समस्त परिकर को साथ लेकर मशाल लेकर क्या किया? सब समय दीनता नहीं, सब समय दीनता नहीं, क्या बोलते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार महाप्रभु जी ने इसका उपयोग किया, देश काल परिस्थिति, और चांद काजी को क्या किया? शासन किया, नाम की महिमा को यहाँ पर प्रदर्शन किया। इसलिए भगवान के द्वार पर आकर कोई पुष्प चढ़ाता है, भगवान बोलते मेरे पास तो बहुत फूल हैं। कोई माला चढ़ाता है, भगवान कहते मेरे तो पूरे ब्रह्मांड में बगीचे बगीचे हैं। कोई फल चढ़ाता है, भगवान बोलते मेरे पास कोई फल का भाव नहीं। और कोई धन चढ़ाता है तो भगवान के तो ऐश्वर्य तो इतना है, उनके लक्ष्मी जी तो उनके चरण पलोटे। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब वस्तु चढ़ाने से क्या होगा, मैं तो उस साधक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो आकर वो मुझको चढ़ाए जो मेरे पास नहीं है और तुम्हारे पास भरा पड़ा है, गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं तुम्हारे पास। तो वह साधक बोलता है भगवान ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास इतनी है और आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास तो सब कुछ है। वो भगवान बोलते नहीं, सब कुछ होने पर भी कुछ वस्तु मेरे पास नहीं है, जो तुम्हारे पास है वो तुम मुझको दो, मैं वही तुमसे मांगता हूँ। इसलिए महाप्रभु जी ऐसे हाथ लेके खड़े हैं, क्या मांगते हैं? भगवान बोलते हैं मेरे पास ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मद है, ना मत्सर्य है, और तेरे पास तो गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं। ला अपना काम मुझको दे, अपना क्रोध मुझको दे, अपना मोह मुझको दे, अपना मत्सर्य मुझको दे, लेकिन ये देकर तो हमारी दुकान ना चले, हमारा तो गुजारा ही नहीं होगा इसके बिना। नहीं भगवान, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, 1,000 रुपए का पैसा तो दे दूंगा, काम नहीं दूंगा, क्रोध नहीं दूंगा, लोभ नहीं दूंगा। भगवान यही वस्तु मांग रहे हैं, तो इसलिए हमारी ही अपनी इंद्रियां ही हमारा विरोधी है, बाहर का व्यक्ति तो दूसरी बात, अपने ही विरोध अपने साथ ही है। लेकिन वो विरोध तब शमन हो जाएगा जब हम महाप्रभु जी के चरण आश्रय को और गौ परिकर के चरण आश्रय को धारण करेंगे। इसलिए श्री प्रबोधन सरस्वती ठाकुर कहते हैं वंचितोऽस्मि 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 न संशया विश्वम गौरे रसमग्ना स्पर्श अपि न तद भरभवे। मैं वंचित हो गया, मैं वंचित हो गया, हाय मैं वंचित हो गया। जब महाप्रभु जी इस प्रेम धन को बांट रहे थे उस समय बस मैं मुंह उठाकर देख रहा था, मैंने उसका पूर्ण लाभ नहीं उठाया, हाय मैं वंचित हो गया। और यही स्थिति मेरी है। हम लोग भी गौर परिकर के चरणों में आकर यही प्रार्थना करते हैं, हे गौर परिकर,
हमको वंचित मत करो, हम स्वयं वंचित हो रहे हैं, आप कृपा करके हमको अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान करो। गुरु चरणों में हमारी निष्ठा हो और उनके चरणों में हमारी रति मति हो और हमारा ये साधक जीवन किसी प्रकार से सफलता को प्राप्त हो। श्री चांदका जी के चरण कमलों में हमारा यही निवेदन, यही प्रार्थना। गौर प्रेमानंद। और एक मिनट सुन लो। देखो अभी जहाँ पर आए हैं आप लोगों ने श्रवण किया है, लेकिन यहाँ प्रश्न होता है, एक चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जब तक देखो चैतन्य अरी से सब चैतन्य लीला पुस्तिका, बुधवार से ज्यादा जिन लोगों को हम देख रहे हैं ये सब के सब भगवान की विरोधी है, कभी ये लोग विरोधी नहीं है, एक तरह से दिखाई पड़ता है उन्होंने महाप्रभु का मृदंग को तोड़ दिया, भक्तों का मृदंग को तोड़ दिया, जो भजन किया उनको फिर में अत्याचार किया, जैसे रावण ने भी किया, कंस ने भी किया और श्री चांदका जी ने किया। कभी ये पूर्व जन्म में चांदका जी कौन था पता है? कौन था ये कंस मामा था, यही कंस था। अगर ये कंस और रावण अगर ये नहीं होते ना, इतना जो कृष्ण लीला देख रहे हैं, अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण लीला हो सकता था? और अगर अघासुर बकासुर नहीं भेजता तो इतना सुंदर लीला होता? रावण अगर सीता को चोरी नहीं करता इतना बड़ा रामायण होता? होता है नहीं। अगर ये चांदका जी ने भक्तों का मृदंग को नहीं तोड़ता तो महाप्रभु का लीला इतना क्या प्रकाश होता? इसलिए एक तरह से हम इनको देख रहे हैं ये विरोधता रूप में, लेकिन अगर दूसरे तरफ में देखोगे ना, ये महाप्रभु का लीला की जो महिमा को उन्होंने एक तरह से पुष्टि किया, उन्होंने बढ़ाया। बोले श्री चांदका जी की। हाँ देखो आप लोगों ने श्रवण किया, जिस समय चांदका जी ने भक्तों का मृदंग को उन्होंने तोड़ दिया है, तोड़ दिया तो क्या हुआ? तोड़ दिया तो प्रख्यात भगवान नरसिंह देव रूप में प्रकट होकर उसको घर में गए, बोले मेरे भक्तों का तुमने मृदंग तोड़ दिया, तेरे छाती को तोड़ दूंगा। और रात को बैठ करके उसको छाती के ऊपर बैठ गई, बैठ करके उनको नाखून से ऐसे नरसिंह भगवान नरसिंह का रूप धारण किया, उनको छाती को फाड़ने लग गए, उनने चिल्लाने लग गए, और नहीं मैं कभी मना नहीं करूंगा भैया, मैं कभी अगर हमारा वंश में भी अगर कोई मना किया तो उसको भी मैं तलाक दे दूंगा। अभी भी है, अभी भी उसके वंश धर्म का व्यक्ति यहाँ पर है, वो तिलक गला में कंठी माला पहनते हैं, अभी भी महाप्रभु के ये लोग भजन करते हैं। आपको एक सही घटना सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुना। अगर सचमुच से कोई विपत्ति में नरसिंह भगवान को पुकारता है, जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के ऊपर में कितने सारी विपत्ति आई, लेकिन नरसिंह भगवान ने सारे विपत्तियों से उद्धार किया। सच घटना सुनो, जब एक समय पहले रशिया कम्युनिस्ट कंट्री था, उनको देश में कोई हरिनाम कीर्तन नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था हरिनाम कीर्तन। जिस समय इन लोगों ने हरिनाम कीर्तन किया, हमारे भक्त लोग ने छुप छुप कर प्रचार किया ना, कुछ भक्तों को तो उन्होंने जेल में डाल दिया, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन देखो वो लोग, हम लोग भारतीय कितने सौभाग्यवान है, किस देश में जन्म हुए, जब उनको जेल में डाल दिया उनका निष्ठा को देखो, पता है उन लोगों ने कैसे रशिया का लोगों ने कैसे भजन किया? उन लोगों ने ब्रेड को जो देते थे खाने के लिए, ब्रेड को उन्होंने एक एक तुलसी की माला बनाई और 108 माला बनाए जेल में बैठी करके, और उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जोर से बोलो हरे राम 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 हरे हरे। उन लोगों ने जेल में बैठी करके उन्होंने एक एक गोटी को उन्होंने अलग अलग करके ऐसे हरि नाम किया जेल में बैठी करके। उनको वहां पर जो उल्टा पुल्टा मांस मछली चीज जितने नहीं खाते थे वो लोग, एकदम जेल में बैठ नहीं खाते थे, केवल ब्रेड को उन्होंने किसी तरह से खा करके उन्हें किसी तरह से उन्हें जान बचाया। एक दिन क्या हुआ, जो लोग अपराधी होते हैं जेल में उनको पिटाई होती है, एक समय वो जेल में जितने दंडित उनको सब मारते आ रहे थे और वो बड़े जोर से चीख रहे थे, और नहीं हमको छोड़ दो। करते करते कहाँ पर आ गए, वहां पर जो इस्कॉन के जो रशिया के भक्त थे, अभी उनको बारी आने वाली, और मारते मारते वहां तक आ गए, लेकिन दूसरे दिन इनकी बारी आएगी। और ये लोग बैठ करके किसको ध्यान कर रहे थे, बोले नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाज दाई ने
तेरा और बक्सा तिला न खाले तब कर कमल बरे नाका मजबूत श्रृंगा से भूल अके सब दीता नरहरी रूपा जय जगदीता हरे जय जगदीता हरे जय जगदीता हरे। अभी उनको बैठ करके नरसिंह देव को कीर्तन हुए ठाकुर जी अब तो प्रहलाद को कितने बड़ी विपद से आप रखिया किया तुम्हारी भक्त लोग हम तुम्हारी वजह से हम जेल में बैठे हुए क्योंकि हमने हरे कृष्ण महामंत्र किया इसलिए उन्होंने जेल में बंद कर दिया हमारे देश में तुम हरे कृष्ण महामंत्र कर ही नहीं सकते इसीलिए और हम भी जेल में बैठी घट करके अभी भी वेजिटेरिया नाम खा रहे हैं और उसको माला बना करके अभी तेरे वजह से जेल में बैठे हैं इसलिए तुम तो भक्तों को रखा किया हमें भी रखा करो अभी क्योंकि नंबर उनका आ गया दूसरे दिन बारी आएगी खूब पिटाई होगी जब उन्होंने किया ना क्या हुआ जानते हो जो व्यक्ति मारता था नरसिंह भगवान स्वयं उसको रात को घर में पहुंच गए जैसे चांद गाजी को छाती पर बैठ करके उन्होंने नरसिंह रूप धारण करते हुए छाती को फाड़ा था ऐसे ही जो जेल की जो मार रहा था उसको घर में पहुंच के बोले खबरदार कल मेरे भक्तों का बारी आएगा अगर तुम उनको पर कोई भी अंगुल उठाया देख नरसिंह रूप प्रकट हो गई तेरे छाती का फाड़ दूंगा तेरे छाती को पूरा बैठ करके ना उसको छाती में नाखून का दाग आ गया खून बहने लग गया वो चिल्ला लग गया नहीं नहीं तुम्हारे भक्तों को कभी नहीं अंगुल नहीं उठाऊंगा मारूंगा नहीं हमको छोड़ दो तुम छोड़ दो उन्होंने बोल दिया क्या हुआ दूसरे दिन उनका नंबर आया पिटाई करने का वो सवेरे सवेरे आ गया आकर के जो जेल में बैठे हुए थे इसकोन के जो भक्त लोग माला कर रहे थे ना उनको सीधा उनके साष्टांग चरण में गिर गया बोले भैया तुम्हारे जो मास्टर है ना जो भगवान उसको बोल दे तुमको हम नहीं मारेंगे पता नहीं रात को भयंकर कई मूर्ति नरसिंह रूप था ना आधा शेर और इंसान था पता नहीं कहां से भयंकर रूप आए छाती पर बैठ गया देखो हमारे छाती में अभी दाग है तुम तुम्हारा ठाकुर जी को मास्टर को बोल दो तुमको मारेंगे नहीं उनको प्रार्थना करो मारेंगे नहीं तुमको मारेंगे नहीं आज से देखो अगर हृदय से अगर हम ठाकुर जी को पुकारे ना इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं कोई कहते हैं भगवान भगवान कहते खाते नहीं बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं भगवान सब कुछ करते हैं इसलिए महाराज बोल रहे थे ना जिस समय नवद्वीप में सारे भक्त लोग हरि नाम कर रहे थे श्रीवास पंडित विशेष करके चार भाई इतने में किसी ने आकर बोल दिया बोले देखो जो ये हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं उनका राजदूत पकड़ करके जेल में बंद कर देगा इतने में श्री श्रीवास पंडित जी क्या करने लग गए नरसिंह देव को पूजा करना शुरू कर दिया महाप्रभु वहां पर प्रकट हो गए बोले तुमको डर है जो मेरे भजन करते हैं उनको राजदूत तुम मुसलमान राजदूत था उस समय में जो राजदूत आकर पकड़ कर ले जाएगा बोले खबरदार चिंता मत करना क्योंकि अंतर्यामी रूप में जीव का हृदय में कौन बैठा है मैं ही सभी का हृदय में अंतर्यामी रूप में मैं बैठा हूँ जब तक हृदय से मैं किसको प्रेरणा नहीं देता हूँ किसका हिम्मत नहीं कोई आदेश दे सकता है मेरे भक्तों को जेल में बंद करो आदेश नहीं दे सकता है बोले इसका प्रमाण चाहते हो प्रमाण दिखा दिया श्रीवास पंडित का भैया का एक बेटी थी जिसका नाम नारायण थी बोले नारायणी तुम कृष्ण बोल करके रो तो बोलते ही कृष्ण कृष्ण करके इतने जोर जोर से रोने लग गए बोले कोई चिंता मत करो देखो आप लोगों का हृदय में भी ऐसे विश्वास होनी चाहिए नहीं अगर हम भगवान के भजन हृदय से करेंगे तो जरूर भक्त वत्सल भगवान हमें रक्षा करेंगे ये चीज को हृदय से विश्वास करो और निश्चिंत तो होकर क्या करो ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे खूब भजन करो कोई चिंता मत करो ठीक है बोले निताई गौर ब्रह्मा नंदे बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की हरे कृष्णा सुना अभी जैसे गुरु जी की समाधि है ना वहाँ पर 5 बजे की कथा वहाँ से शुरुआत आज से हो जाएगी हिंदी भाषा में वहाँ पर कथा होगी भक्त लोग सब आ जाना गुरु जी की समाधि में हिंदी भाषा में और ऊपर में बंगला भाषा में ऊपर में कथा होगी बंगला और अंग्रेजी इसलिए यहाँ से वापस चलो कीर्तन करते करते
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।